चूंकि जितना हमारा समाज है, जब तक इस समाज को संगठित नहीं किया जाएगा तब तक ये कुछ नहीं होने वाला। ये जो 200 वर्ग मीटर स्क्वायर का जो इन्होंने जो लुभावना वो दिया है, क्या किया है ये? इन्होंने हमारी मजाक उड़ाई है, हमारी मजाक उड़ाई है, हमारा ही घर छीन लिया और हमें जो है दान में दे रही है 200 स्क्वायर मीटर। हम कह रहे हैं कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे और पूरी जगह में बनाएंगे, वहीं पर बनेगा मंदिर, तो चाहे ये जितना जोर लगा ले, जो कुछ भी करें, हमारा संत समाज जो भी कर रहा है वो ठीक ही कर रहा है। इसके लिए हम उनका जो है धन्यवाद अदा करते हैं। दूसरे देश थोड़ी पीड़ा जो है इस बात से है कि जितने भी हमारे सभी पार्टियों में, भाजपा में भी है, अन्य में भी है, ये सांसद और जो MLA विधानसभा में सुरक्षित सीटों से चुनकर गए हैं, रिजर्व सीटों से चुनकर गए हैं, वे समाज के विषय में कुछ नहीं बोल रहे हैं। जब समय आता है तो वोट मांग लेते हैं और जो है अपना जो है जब पदवी मिलेगी तो उसके बाद उनका कोई इस तरफ रुझान नहीं होता। अलावा आम पार्टी के किसी भी सांसद या MLA ने इस विषय में कोई दो शब्द आज तक नहीं कहे कि भाई जो है रविदास मंदिर वहीं पर बनेगा। ये कैसी अडंबना है कि हमारा ही घर तोड़ दिया गया और हमें ही सड़कों पर चलना पड़ रहा है। कि इन केसेस को खत्म किया जाए, क्योंकि सिर्फ बेल पे आना ही इसका हल नहीं है। और हमारा प्रयास यही है अभी मिशन तुगलकाबाद का पूरे का, कि इन बच्चों के जो केस है उसको सिरे से खत्म किया जाए, ताकि उनका आगे आने वाला जो भविष्य है, क्योंकि बहुत सारे उसमें बच्चे बहुत यंग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई पढ़ रहा है, कोई नौकरी लगने वाला है, ताकि उनके फ्यूचर पे, उनके भविष्य पे कोई ऐसा असर ना पड़े, तो उसके लिए हमारा प्रयास अभी जारी है। जहाँ तक गुरु घर की जगह का मामला है, उसमें भी आप लोगों ने पहले देखा 30 तारीख पड़ी थी पिछले महीने की, बड़ी उम्मीद थी सारी संगतों को शायद उस दिन कोई ना कोई इसका हल निकल जाएगा, लेकिन उस दिन कोई ज़्यादा सुनवाई हुई नहीं। उस दिन सिर्फ कोर्ट ने एक जो रिपोर्ट मांगी थी कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी है, उसको देखने के बाद आगे डेट 18 डाल दी। फिर 4 अक्टूबर को 2 पिटीशन आई जो कांग्रेस के 2 पदाधिकारियों ने डाली हुई थी, उसमें कोर्ट ने ये बात जरूर मानी कि वहाँ पे गुरु घर यदि था, आस्था का विषय है, तो सरकार और जो पार्टियां हैं वो बैठ के आपस में बातचीत करें और करने के बाद हमें बता दें, हमें कोई इसमें इतराज़ नहीं होगा यदि सरकार और पार्टियां आपस में बैठ के बात करती हैं तो। लेकिन साथ में उन्होंने एक ये भी लाइन लिखी कि हम कानून को अपनी जगह ही रखेंगे, आस्था का विषय भी जरूर है लेकिन कानून को भी अपनी जगह रखेंगे। इसी के चलते कुछ आपस में लोगों की डिस्कशन हुई, हालांकि जो हमारी तुगलकाबाद की कमेटी है उनकी डायरेक्ट कोई बात नहीं हुई, वकीलों के थ्रू सारी बात हुई। तो हम 17 तारीख को पूरी टीम जो है अपने वकील जो थे उनको मिलने गए, हमने कहा भी क्या हुआ, हमें भी बताइए क्या बात चली है, क्या हुआ है। तो उन्होंने हमें एक पर्चा पकड़ाया कि जी गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफर आई है और जिसमें 5 पार्टियों ने ऑलरेडी अपनी रजामंदी दे दी है और आप भी इसके ऊपर अपनी रजामंदी दे दीजिए। जब हमने उसमें कंडीशन पढ़ी तो हमने उसको वहीं खड़े खड़े, हालांकि अपने चैम्बर में नहीं बैठे थे, कोर्ट में बाहर ही खड़े थे, तो हमने कहा भी हमें ये मंजूर नहीं है, हम ये नहीं मानते। अब पता नहीं वो वकील साहब के ऊपर भी क्या दबाव था, हमारी पूरी टीम खड़ी है और कहती ठीक है आप नहीं मानते तो मैं आपका केस ही नहीं लड़ूंगी। और बड़ा ताज्जुब हुआ हमें भी कि ऐसा क्या इसके ऊपर प्रेशर है। तो हमने कहा भाई केस लड़ने में आपको, आप हमारे वकील हो, हम आपके क्लाइंट हैं, तो आपको तो क्लाइंट के हिसाब से चलना है, यदि क्लाइंट नहीं चाहता किसी बात को मानना कोर्ट को बता दीजिए, आपका काम है जो मैं कह रहा हूँ जाए कोर्ट को बताइए कि हमें ये मंजूर नहीं है। वो कहते नहीं जी मैं तो आपका अपीयर ही नहीं होंगी, केस में अपीयर नहीं होंगी। उसने वहीं खड़े खड़े हमें एक नो ऑब्जेक्शन दे दिया साइन करके कि आपको दूसरा वकील पकड़ लीजिए, अपने मुंशी को बुलाया कि जे पकड़िए रिकॉर्ड, अपने रिकॉर्ड भी ले लीजिए।
अब जी शाम की 17 तारीख की तकरीबन 5 बजे की बात है, 18 तारीख को केस लगा हुआ था और हमने उस दिन रात को 12 बजे तक दौड़ भाग करके एक दूसरे वकील को बहुत मुश्किल से ढूंढ के जितना रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल था उतना रिकॉर्ड उनको दिया कि किसी तरह हमारा जो, क्योंकि हमारी उस वक्त ऐसी दशा हो गई थी कि यदि 5 पार्टियां मान रही हैं तो हो सकता कोर्ट को फैसला दे दे कि 5 तो मान ही रहे हैं। लेकिन रात को हमने वकील को किया और उनको खड़े किया कि कल आप हमारी तरफ से खड़े हो जाएं। उनको वकालतनामा साइन करके दिया। अगले दिन 18 तारीख को जो केस आया वहाँ पे अटॉर्नी जनरल ने जो कोर्ट के सामने ऑफर रखी उसमें एक पॉजिटिव चीज मैं आपको बता दूं, वो ये है, बाकी सारी चीजें नकारात्मक है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहली चीज ये है कि शुरू से हम सुनते आ रहे थे कि कोर्ट भी और गवर्नमेंट की किसी अल्टरनेटिव जगह की कि दूसरी जगह कहीं बना लीजिए, वो बातें चल रही थी, उनको बिल्कुल ही थम गई वो बातें। कोर्ट ने पहले पैरे में ये माना है कि ये जो जगह है ये सतगुरु रविदास महाराज जी के मानने वालों की आस्था की जगह है, उसमें उन्होंने बिल्कुल क्लियर लिखा है कि ये इस जगह में जो गुरु रविदास महाराज के डिवोटी है उनकी बहुत गहरी आस्था है और इस आस्था को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने यही जगह देने की बात करी है। तो ये बात तो प्रूव हो गई है कि गवर्नमेंट ने भी और कोर्ट ने भी ये मान लिया है, कोर्ट ने ही मान लिया है कि उस जगह पे ही गुरु घर बनेगा, ये आप लोगों की मानता जो है इसको तो मान लिया गया है। क्योंकि जो हमें पहले ये बात नहीं मिलने को पड़ रही थी कि दूसरी जगह देंगे, अल्टरनेटिव ले लो, वहां ले लो, 2 किलोमीटर पर ले लो, वो बात अब नहीं होगी, तो ये बात तो पक्की है गुरु घर तो वहीं बनेगा। आगे तो अब ये जो बात है, ये जहां तक मैं आपको ये बताना चाहता था कि ये बात पॉजिटिव ये आई है कि गवर्नमेंट ने भी और सरकार ने भी और कोर्ट ने भी ये मान लिया कि हमारी उस जगह के साथ आस्था जुड़ी हुई है, जगह वही मिलेगी, मंदिर वही बनेगा। ये अब जो है दूसरी बातें जो हुई उसमें वो हमें हमारे समाज को भी अपमानित करने वाली भी बातें हैं, जो कंडीशन लगाई 8 कंडीशन उसमें लिखी हुई है, तो उसमें 3 कंडीशन ऐसी हैं जो हमारे समाज के लिए बहुत बेइज्जती करने वाली है। नंबर 1 कि 200 मीटर जगह वहां पे दी जाएगी और उस जगह के ऊपर बाउंड्री कर दी जाएगी, उसके बाहर आप नहीं निकल पाओगे। ये सबसे ज्यादा शर्मनाक जगह है, मतलब सबसे ज्यादा शर्मनाक कंडीशन ये लगाई है कि 200 मीटर के ऊपर ही बाउंड्री कर दी जाएगी, आप उसके आगे पीछे नहीं जा पाओगे, एक बाहर को गेट लग जाएगा। दूसरा जो सबसे ज्यादा शर्मनाक जगह बात ये इसमें उन्होंने डाली कि जो गुरु घर बनेगा वो इसी 200 मीटर जगह के अंदर 20 फुट बाई 20 फुट का एक एनक्लोजर जो कि या तो लकड़ी का बना हो, जहाँ आजकल आपने देखा होगा कि कॉलोनियों में चौकीदार को खड़ा करने के लिए एक पोर्टा कैबन बनता है जिसके अंदर चौकीदार खड़ा होता है, उसको पोर्टा कैबन बोलते हैं, जहाँ उसका बना हो, जहाँ लकड़ी का बना हो, पक्का कंक्रीट नहीं बनेगा। तो ये इतनी शर्मनाक बात थी कि हमारे गुरु महाराज की जो समाधि होगी एक लकड़ी के खोखे में होगी, ये कंडीशन गवर्नमेंट ने लगाई। एक और जो कंडीशन जो वो भी हमारे लिए बहुत अपमानजनक थी कि सरकार एक कमेटी बनाएगी 4 महीने के अंदर और वो कमेटी को जो है इसका पूरा मैनेजमेंट वहां का दिया जाएगा। ये तीनों कंडीशनों को देख के मिशन तुगलकाबाद ने और जो हमारे तुगलकाबाद की प्रबंधक कमेटी है उसको अपने वकील को वहीं मना कर दिया कि हमें ये शर्तें बिल्कुल मंजूर नहीं है और सारा समाज भी इस बात को मानता कि ये हमें शर्तें बिल्कुल मंजूर नहीं है।
हमारी 12,500 जगह जो रिकॉर्ड में आ रही है, 12 बीघे और 7 बिस्वा जो तकरीबन 12,500 गज बनती है, उसको छीन के हमें 200 मीटर देके कि हम भिखारी हैं जो उनके पास रोज पल्ला लेके जाते हैं कि हमारे को इतना दे दो, हमारे गुरु घर का देखिए उसमें साथ में जो भी कंडीशन लगा देंगे कि वहां पे धुआं नहीं होगा, वहां अब लंगर कहाँ बनेगा, पार्किंग कहाँ होगी, जो पब्लिक आएगी उनके लिए पब्लिक यूटिलिटी सर्विस चाहिए, टॉयलेट चाहिए, सब कुछ चाहिए, वो कहाँ बनेंगे। इस करके इस प्रपोजल को हम लोगों ने नामंजूर किया है। हमारी लड़ाई जो है अभी भी चालू है, आज ही केस लगा हुआ था, आज अभी मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि क्या आगे बात हुई है, उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा, लेकिन ये आज तक का जो ब्यौरा अभी जहां तक आया था। तो मेरे को उम्मीद है, इसमें थोड़ा सा और बता दूं कि 4 लोग ऐसे हैं, समाज को जो बताना जरूरी है, 4 लोगों ने जिन्होंने इस प्रपोजल को साइन किया है, हालांकि उनके अपने साइन नहीं है, उनके जो एडवोकेट उनको रिप्रेजेंट करते हैं उनके साइन है, वो 4 लोग सरकार के हैं, आप लोग नाम ले सकते हो। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे लोगों से बच के भी रहना है, उनको समाज से भी दूर रखने की जरूरत है। बिल्कुल, समाज का आक्रोश उनके विरुद्ध होना चाहिए, यदि ऐसा कोई हमारे समाज को गुमराह करता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।